फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन अयोध्या का चुनाव कुछ दिन पहले संपन्न हुआ था, जिसका आज एक निजी होटल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर लगातार सातवीं बार अवि आनंद को चुना गया। महामंत्री पद पर आनंद अग्रहरि, कोषाध्यक्ष पर अनूप सोनी, उपाध्यक्ष पद पर कैलाश, औषधालय के विनोद कुमार और एसआरके फार्मा से राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके साथ साथ वरिष्ठ मंत्री पद पर शमशेर अली, मंत्री पद पर शादाब खान और राम खिलावन, शरद सिंह मीडिया प्रभारी ने शपथ ली। इसके अलावा सदस्य कार्यकारिणी मेंबर विजय पांडे, मयंक पाठक, गोपीनाथ गुप्ता, मानवेंद्र प्रताप सिंह, शुभम गुप्ता, गोपाल गुप्ता, संजय जायसवाल, राकेश सहदेव, कृष्णानंद यादव, संदीप कुमार श्रीवास्तव, पंकज कुमार श्रीवास्तव आदि लोगों को चुना गया और सभी को शपथ दिलाई गई। इस दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी रोमी कपूर, चुनाव अधिकारी ओमकार अग्रवाल और गंगाधर ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य चुनाव अधिकारी रोमी कपूर ने बताया कि एसोसिएशन का चुनाव कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें चुने गए पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए अवि आनंद ने बताया कि व्यापारियों के प्रेम ने लगातार चौथी बार अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष पद को मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा और सभी व्यापारियों के हित और समस्याओं में हमेशा खड़ा रहूंगा। खुशी महसूस कर रहा हूं, दायित्व अपने कंधे पर और बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूं। सोचता हूं कि मैंने पिछले जो किए हैं, जिसकी वजह से लोगों का इतना अपार प्रेम व स्नेह है, उसमें कोई कमी ना आने पाए और वो दिन पे दिन बढ़ता रहे। दवा व्यापार ही नहीं, आप लोग तो फील्ड में हमेशा रहते हैं, देखते रहते हैं कि दवा व्यापार नहीं, तमाम तरह के व्यापार जो छोटे व्यापारी हैं, वो दिन पे दिन उनका व्यापार खराब होता जा रहा है। अयोध्या और फैजाबाद के जितने मेजर मार्ग हैं, उनमें बड़ी बड़ी दुकानें से लेकर छोटी दुकानें, गरीब लोगों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, वर्षों से बनी हुई दुकानें सब टूट गई हैं। उचित मुआवजा भी सरकार की तरफ से नहीं मिला है। कई लोगों के मकान और दुकान उसी में थे, तो उनका बरसों पुराना मकान भी गया और व्यापार भी गया। तो सरकार, हम तो सरकार से निरंतर अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम जिस तरह से वाराणसी के दुकानदारों को उचित मुआवजा दिया गया, उस तरह से फैजाबाद के भी व्यवसायियों को, व्यापारियों को उचित मुआवजा दिया जाए। फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से चुनाव किया कराया गया और ये 28 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी, जो चुनाव 26 जनवरी 2023 में निश्चित था कि होगा इसका। लेकिन सब प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद देखा गया कि 26 जनवरी को कि सभी लोग निर्विरोध चुने गए। जो भी सदस्य थे, एक एक नामांकन ही आया और वो उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री अवि आनंद अध्यक्ष के रूप में चुने गए, पिछले 7 बार से 7वीं बार इस बार विजयी हुए हैं। और महामंत्री के रूप में श्री आनंद अग्रहरि जी चुने गए और वाइस प्रेसिडेंट दो होते हैं हमारे यहाँ पर। एक वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट हैं श्री वीरेंद्र कुमार, वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी। सीनियर सेक्रेटरी, वरिष्ठ सेक्रेटरी एक हैं श्री शमशेर अली जी। सेक्रेटरी दो हमारे होते हैं शादाब खान, श्री राम खिलावन जी। और कोषाध्यक्ष के रूप में श्री अनूप कुमार सोनी जी चुने गए।